हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आधार कार्ड पे एक लेटेस्ट नया अपडेट आया है, खासकर यानी कि आप अपने बच्चों का आधार कार्ड जो 0 से लेके 5 साल तक बच्चों का जो आधार कार्ड इन्हीं के बारे में लेटेस्ट अपडेट आया है। जैसा कि हम आप अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा देते हैं, लेकिन इन्हीं की अपडेट जो बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट अपडेट कराना होता है, वो अपडेट कराने में काफ़ी समय लगा देते हैं, लेकिन ये समय अब सीमित समय के लिए कर दिया गया है। अगर आपने अपने बच्चों का अभी तक अपने 5 साल पूर्ण हो गया आधार कार्ड बनवा लिया है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट आपने अभी तक अपडेट नहीं करवाया, तो समय सीमा निर्धारित कर दी गई है उदय की तरफ से। हाल ही में जो नया लेटेस्ट अपडेट है आया है, उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये समय सीमा, जैसे कि आपने अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लिया है, उसके बाद यानी कि समय यानी कि फिंगरप्रिंट यानी कि अपडेट कराने का समय जो निर्धारित कर दिया गया है, वो 15 साल के अंदर ही आपको अपने बच्चों का बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना होगा, अन्यथा आपके बच्चों का दोबारा बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं होगा, वो आपके बच्चों का आधार कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो कि ये लेटेस्ट अपडेट आया है हाल ही में आधार कार्ड संबंधी, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।